नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में कई खेल खेले जाते हैं, लेकिन उन सब में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लोग खेलते नहीं बल्कि पूजते हैं, और इसके खेलने वालों की किसी स्टार से कम उसको नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अगर ऐसे में अगर जहां फिक्सिंग जैसे आरोपों का जब हमारे खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है या आरोप लगते हैं, तो शायद जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो होता है फैंस को, जो आप और हम हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही अभी एक मुद्दा आया है जो है आपका हैदराबाद एसोसिएशन पर। जी हाँ, हैदराबाद एसोसिएशन पर भारत के पूर्व पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेलंगाना के एक मंत्री को ट्वीट करके ये बताया है कि वो इस बात पर गौर करें कि HCA यानी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन किस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पे काम नहीं कर रही है, या फिर वहां पैसों का बोलबाला है। ऐसे में हैदराबाद की टीम कैसे सही हो सकती है? उनके इन आरोपों के बाद सारे क्रिकेट जगत में खलबली सी मची हुई है, और इसी बीच हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजुद्दीन का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने अंबती रायडू को एक फ्रस्ट्रेट खिलाड़ी बताया है। उन्होंने उनको आत्मकुंठित बताया है, जो अपने आप में परेशान है। इसका जवाब भी अंबाती ने दिया है, जो जिससे ट्विटर पे काफी गहमा गहमी हो गई थी, और अंबाती ने इसे ट्वीट करके अजुद्दीन को कहा कि वो इसे पर्सनली ना लें। वो चाहते हैं कि हैदराबाद के खिलाड़ी, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अच्छा करें, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, इसे पर्सनल ना लिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अंबाती के इस ट्वीट के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनको काफी सराहा और उनको एक लेजेंड करार दिया, और कहा कि ऐसा कहने की हिम्मत हर किसी पे नहीं होती। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस विषय पर? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसे मुद्दे पर अंबाती का कहना क्या सही है या गलत। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।